एमपी के छतरपुर में सागर के बिलहरा की 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप कर हत्या करने के मामले में गुरुवार को रायकवार मांझी समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज के लोग पहलवान बब्बा मंदिर के पास इकट्ठा हुए, जहां से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन में कहा कि 20 अप्रैल को ग्राम बिलहरा से रायकवार मांझी समाज की 13 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया गया, जिसकी शिकायत बिलहत चौकी में की गई। 2 दिन बाद बच्ची का शव रानगीर की देहार नदी में मिला। पीएम रिपोर्ट में नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या की पुष्टि हुई थी। घटना को लेकर रायकवार समाज में रोष व्याप्त है। समाज अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहा है। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती दीप्ति रहवा। बहन जी, जो यहाँ सागर कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन सौंपा है, किन मुद्दों को ज्ञापन सौंपा है? आज हम लोगों ने मांझी समाज के माध्यम से हमारे सागर जिले से आए हुए सभी भाई बंधुओं ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन एक छोटी सी नाबालिग की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय जी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि हमारी बेटी के लिए न्याय मिले और न्याय के साथ जो भी उसमें है साथ में, हमारे एसपी साहब ने अभी बताया हम लोगों को, अवगत कराया है कि जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए हुए हैं और जो वो लड़की भी साथ है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जिन जिन ने उस लड़की के साथ गलत काम किया है उन लोग को ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा वो किसी भी बच्ची के साथ, चाहे वो हमारी बेटी हो चाहे हमारे किसी समाज की बेटी हो, उस वो मतलब दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, करने के पहले वो 10 बार सोचेंगे। अच्छा, ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी आप लोगों ने? ज्ञापन में हम लोगों ने मांग ये रखी है जिस बेटी के साथ ऐसा दुर्कर्म हुआ है उनके लिए उनकी सहायता निधि मिले क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं। आज कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा गया है, किस घटनाक्रम को ज्ञापन सौंपा गया? एक हमारी समाज की, रेखा समाज की एक बच्ची के साथ बिलहरा में कुछ लोगों ने उसके साथ अपहरण किया। अपहरण के बाद उसके के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद रानगढ़ के एक नदिया में उसको फेंक दिया गया। उसी को लेकर आज हम लोग सब कलेक्टर और एसपी साहब के लिए ज्ञापन देने आए हैं और उनके सामने हम लोगों ने मांग रखी है कि जिन लोगों ने यह अपहरण कर जो गलत काम किया है उस बच्ची के साथ, उनकी तत्काल उनके घर बुलडोजर चलाया जाए, उनको पर कठोर कार्रवाई की जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।